उठो जल्दी, इसे सुनो। जुपिटर के चंद्रमाओं में से एक से आने वाला 5 सेकंड का FM सिग्नल है ये। आप हड़बड़ाकर अपना फोन उठाते हैं और अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करते हैं। वो इस न्यूज से हैरान हो गए और लैब की ओर दौड़ पड़े। अब वर्षों से जुपिटर की खोज करने वाले जूनो प्रोब के साथ काम कर रहे साइंटिस्ट हैं, लेकिन पहली बार आपने कुछ इतना अजीब देखा है। गैनीमीड जुपिटर का सबसे बड़ा चंद्रमा और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। यदि ये स्पेस बॉडी जुपिटर के चारों ओर ऑर्बिट नहीं करती तो इसे एक प्लैनेट घोषित किया जाता। ये मर्क्यूरी और प्लूटो से भी बड़ा है। जो बात इस मून को दूसरों से अलग बनाती है वो ये है कि इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। इस चंद्रमा का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये जुपिटर जितना ही पुराना है। प्लैनेट के साइज वाली इस स्पेस बॉडी को अपने प्लैनेट का चक्कर लगाने में 7 पृथ्वी दिन लगते हैं। सभी लोग लैब में इकट्ठा होते हैं, बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं ताकि आप स्पेस से आने वाले सिग्नल की रिकॉर्डिंग सुनाएं। आपके कलीग्स इस मिस्ट्री साउंड के सोर्स का पता लगाने की कोशिश करने में जुट जाते हैं। गैनीमेड की सरफेस का लगभग 40% हिस्सा डार्क है, जिसके चारों ओर क्रेटर है। वही 60% हिस्सा लाइट कलर का है। वहाँ ऐसी फॉर्मेशंस भी हैं जो शायद सतह के नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटी या पानी रिलीज होने की वजह से बनी है। साइंटिस्ट ने चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में फंसी ऑक्सीजन की पतली लेयर की खोज करने में कामयाबी हासिल की है। वहाँ का तापमान बहुत कम है, -110 डिग्री सेल्सियस से -130 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद्रमा कैसे बिहेव कर रहा है या वो किन केमिकल एलिमेंट्स को अंदर छुपाए हुए है, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आपके कुछ कलीग्स उन्हीं कंडीशंस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो साउंड ट्रीटमेंट होने के टाइम पर मौजूद थी। वे घंटों वहीं बैठे इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। शायद ये एक फ्लूक था। आप कंट्रोल सिस्टम में आते हैं और जूनो स्पेसक्राफ्ट को एक्टिवेट करते हैं। इस मिशन का मेन पॉइंट जुपिटर की ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेयर और प्लैनेट के एवोल्यूशन को ऑब्जर्व करना है। वैसे इस बात के भी कुछ प्रमाण हैं कि जुपिटर का सबसे बड़ा चंद्रमा भी इवॉल्व हो रहा है। चूंकि इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऑरोरा हर समय निकल आता है। वे ग्लो करने वाली गैस है जो चंद्रमा के नॉर्थ और साउथ पोल्स को घेरे हुए है। अगर ऐसी जगह पर जीवन है तो शायद ये गैनीमेड के बेहद नमकीन ओशियन के बॉटम में होगा। लंबे समय से साइंटिस्ट ने सोचा था कि लाइफ स्टार्ट करने के लिए सूर्य एक खास फैक्टर है, लेकिन अब हम जानते हैं कि समुद्र के गहरे तल में रहने वाले जीव भी मौजूद हैं। वे धूप के बिना भी जी रहे हैं। हमारे प्लैनेट पर ओशंस में सभी शेप और साइज के काफी सारे अजीबोगरीब जीव मिल रहे हैं। समुद्री लिली लगभग 3000 मीटर पानी के भीतर रहती है। उसका ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वे फूलों की तरह दिखती है, सिवाय इसके कि वे पौधे नहीं बल्कि जानवर हैं। उनके तनों और पत्तियों से मूर्ख ना बने। वे बॉडी के पार्ट्स हैं जिन पर आसपास के भोजन का पता लगाने के लिए नर्व एंडिंग लगी है। गॉब्लिन शार्क शायद कुछ सबसे अजीब दिखने वाली शार्क है जो समुद्र के तल में रहती है। वे 3.5 मीटर तक लंबी हो सकती है और उनका स्नाउट यानी थूथन बहुत ही अजीब होता है। अब एंगलर फिश को देखें। शिकार को अट्रैक्ट करने और अंधेरे समुद्र के तल के चारों ओर अपना रास्ता नेविगेट करने के लिए इसके सिर पर एक बायोल्यूमिनेसेंट ब्लॉब होता है। ये एक नेचुरल फ्लैशलाइट है जिसे कभी भी नई बैटरी की जरूरत नहीं होती है। हालांकि केवल फीमेल्स के पास ही ये फ्लैशलाइट है। ब्लॉब फिश वहाँ रहने वाला एक और अजीब जानवर है। ये अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशंस में 2700 मीटर की गहराई में रहता है। हालांकि आपने सभी को न्यूज को सीक्रेट रखने के लिए कहा, लेकिन किसी तरह ये मीडिया में लीक हो जाती है और एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाती है। आपको एक न्यूज एजेंसी से कॉल आती है। वे कहते हैं कि वे इस सफलता के बारे में आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं जो ये साबित कर सकता है कि आउटर स्पेस में लाइफ मौजूद है। अगले दिन आप अपनी डिस्कवरी के बारे में बात करने के लिए न्यूज स्टेशन पर जाते हैं। आपके पास पूरा एक लाइव स्टूडियो ऑडियंस है जो आपके हर मूव को देख रहे हैं। तब भी जब आप पानी पीने के लिए अपने पानी का ग्लास उठाते हैं, आपके लाइव ऑन एयर होने से पहले क्रू कुछ लास्ट मिनट चेकअप करता है। मेकअप आर्टिस्ट फाइनल ब्रश अप करता है। साउंड इंजीनियर आपको एक बार फिर अपने माइक को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। कई प्रोड्यूसर्स आगे की सीटों पर बैठे हैं। स्टूडियो में तेज रोशनी है, उल्टी गिनती शुरू होती है। 3, 2, 1 और
आपका परिचय कराया जाता है और होस्ट आपसे ये समझाने के लिए कहती है कि आपने क्या सुना था। आप उन्हें जुपिटर का चक्कर लगाने वाले जूनो स्पेसक्राफ्ट के बारे में बताते हैं। कुछ सवालों के बाद होस्ट अंत में सबसे खतरनाक सवाल दागती है। हो सकता है रहस्यमय आवाज किसी दूसरे सिविलाइजेशन से आ रही हो। हर कोई ध्यान लगाकर सुनने लगता है, आपके जवाब का इंतजार करता है। आप फ्रीज हो जाते हैं, नहीं जानते कि क्या कहना है। भले ही समुद्र के तल पर क्रश करने वाला प्रेशर समुद्र तल की तुलना में 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी वहाँ लाइफ मौजूद है। एल्गी, जिसे समुद्र की दुनिया में एक डेलिकेसी माना जाता है, सूर्य की रोशनी की कमी के कारण गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के नसीब में नहीं है। काफी नीचे रहने वाले इनमें से कई जीवों को इसके बजाय बचा हुआ खाना खाना पड़ता है, जो समुद्र की ऊपरी लेयर से नीचे पहुँचता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर और तेज प्रेशर ने इन जीवों की सेल्स को बदल दिया है। इसने उन्हें औसत मछली की तुलना में अधिक लचीला बना दिया है। बैक्टीरिया जीवित रहने के अपने तरीके विकसित कर रहे हैं। स्टडी से पता चलता है कि वे सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ और गैसों के रसायनों को खाते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के खिलाफ मूव करती हैं, तो मीथेन और हाइड्रोजन निकलती है। वहीं इनमें से कुछ बैक्टीरिया इन गैसों पर भी जिंदा रहते हैं। टार्डीग्रेड्स, इन्हें वाटर बियर्स के रूप में भी जाना जाता है, माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह रहे हैं और पनप सकते हैं। आप उन्हें ज्वालामुखियों, जमे हुए ग्लेशियर और यहाँ तक कि खाली स्पेस में भी पा सकते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ जीवन रूप असल में गैनीमीड पर मौजूद हो सकते हैं। आप इसे अपने दर्शकों को समझाते हैं, फिर आप मेंशन करते हैं कि आपके पास ये तय करने के लिए काफी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कोई दूसरी सिविलाइजेशन या नेचुरल घटना है जो साउंड प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गैनीमीड के फ्रीजिंग ओशन का बॉटम अपने अनूठे और अजीब जीवों के साथ मेल नहीं खा रहा है। वहाँ क्रेकन और लेवियाथान जैसे कुछ लेजेंडरी बीस्ट हो सकते हैं, या दो सिर वाली अजीब चमकती मछली, टेंटिकल्स और एक बड़े फिन वाली मछली, विशालकाय केकड़े। वहाँ के बैक्टीरिया हमारे जैसे ही अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पौधे, यदि वे वहाँ मौजूद हैं, को सब जीरो टेम्परेचर से बचने के लिए काफी स्ट्रांग होना चाहिए। जुपिटर के सबसे बड़े मून पर मौजूदा जानवर हमारी ब्लू व्हेल जितने बड़े या प्लैंकटन जितने छोटे हो सकते हैं। इंटरव्यू के बाद आप एक बार फिर से रिकॉर्ड की जांच करने के लिए लैब में वापस जाते हैं। अपने घर के रास्ते में आप स्वयं के पोस्टर देखते हैं, जिन पर कैप्शन लिखा है, क्या हम अकेले नहीं हैं? अरे, आप एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, बहुत से लोग आपकी तस्वीरें लेते हैं। आपको दूसरी एजेंसियों ने और इंटरव्यू देने के लिए बुक किया है। कुछ साइंस मैगजीन आपको पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में फ्रंट कवर पर रखना चाहती हैं। हर बार जब आप काम पर आते हैं, तो आप साउंड के फिर से निकलने की वेट करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। आप जूनो प्रोब से एक सिग्नल भेजते हैं, उससे कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिसने भी साउंड प्रोड्यूस किया है, लेकिन कुछ नहीं। उस रात एक बार फिर आप अपने डेस्क पर सो रहे हैं। यूरेका मोमेंट आपको आधी रात में जगा देता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ मिस हो गया हो। आप नंबर्स को फिर से चलाते हैं और फील करने के लिए इस पूरे समय जवाब आपके सामने था। ये कोई दूसरी सिविलाइजेशन नहीं था जिसने साउंड प्रोड्यूस किया था। इसका सोर्स इलेक्ट्रॉन था। हर प्लैनेट अपनी खुद साउंड प्रोड्यूस करता है। ये तब बनता है जब सोलर विंड से चार्ज पार्टिकल्स और प्लैनेट के मैग्नेटोस्फीयर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। गैनीमीड पर यही हुआ। इसके मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जहां प्रोब ने सिग्नल उठाया सामान्य से ज्यादा अजीब एक्ट कर रहे थे, वहीं इसने कुछ इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दिया। आप शर्मिंदा हैं और अपनी बाकी रात फोन कॉल करने में बिताते हैं, अपनी टीम को न्यूज बताते हैं। जिस एजेंसी ने आपका इंटरव्यू लिया था, वे एक स्टेटमेंट जारी करती है। वे बताते हैं कि दूसरी सिविलाइजेशंस हमसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आप अपने डेस्क पर वापस बैठ जाते हैं, अगली बड़ी बात होने का इंतजार करते हैं। यूरोपा जुपिटर के चंद्रमाओं में से एक है जिस पर लाइफ हो सकती है। ये एक आयरन कोर, एक मेंटल और एक सॉल्टी ओशन से बना है, पृथ्वी पर सभी महासागरों के वॉल्यूम का दुगना। वहीं गैनीमीड की तरह ही ओशन जल बर्फ की परत के नीचे मौजूद है। साइंटिस्ट का दावा है कि वहाँ सक्रिय ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। वैसे कुछ लचीले बैक्टीरिया वहाँ रह सकते हैं। पर्याप्त पानी, कुछ केमिकल्स और एनर्जी सोर्स के साथ यूरोपा लाइफ प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हमें छोटे माइक्रोब्स के अलावा वहाँ कुछ भी मिलेगा।